गुड मॉर्निंग फर्स्ट क्लास, सब कैसे हो? आज अपन हिंदी सेकंड मोहक हिंदी व्याकरण, क्या नाम है, मोहक हिंदी व्याकरण, उसका पहला पार्ट पढ़ेंगे। हमारी भाषा, अवर लैंग्वेज, हमारी भाषा। बच्चों पहले हमें पाठ पढ़ने से देखना है, चित्र पहले देखना है। एक बच्चे से माँ बात कर रही, देखो नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखें और सही पर सही का चिन्ह लगाएं। इस चित्र में माँ क्या कर रही है? बच्चे को खिला रही है, बच्चे से बात कर रही है। खै है ना नीचे वाला, उसको सही का निशान लगा दो। बच्चे से बात कर रही है। यहाँ चित्र में पापा मम्मी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। ए कै को लगा देना सही का निशान। तीसरा है, इस चित्र में गीता क्या कर रही है? क्या कर रही है? पत्र पढ़ रही है, पत्र लिख रही है। क्या कर रही है? पत्र लिख रही है। खै, खै को टिक लगा देना। बच्चों क्या तुम बता सकते हो बोलने में, पढ़ने में, लिखने में किसका प्रयोग होता है? शब्द, बोल और भाषा का। भाषा के बिना क्या तुम अपनी बात कह सकते हो? नहीं ना। अतः हम सब कह सकते हैं कि जिस माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं वह भाषा कहलाती है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर बतलाते हैं। ये परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर बतलाते हैं। भाषा के रूप, भाषा के टाइप हैं, टू टाइप हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। पहले हम लिखित भाषा को पढ़ेंगे। चित्र को ध्यान से देखो और सही पर सही का चिन्ह लगाओ। बालिका क्या कर रही है? ध्यान देना, कै में लिखा है, लिख रही है, पढ़ रही है, सुन रही है, बोल रही है। कै लिख रही है। दिए गए चित्र में बालिका लिख रही है, यह भाषा का लिखित रूप है। जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हम लिखकर बात को पहुंचाते ना दूसरे को, तो क्या होती है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब दूसरा है मौखिक भाषा। चित्र को ध्यान से देखो, सही पर सही का चिन्ह लगाओ। एक बच्चा क्या कर रहा है? बोल रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है या लिख रहा है? कै पे टिक लगाना, सही का निशान लगाना। कै पे बोल रहा है। दूसरे चित्र में है, चार बच्चे क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। ये चारों बच्चे, ये बोल रहा है तो ये सुन रहे हैं ना चारों, तो खै पे सही का निशान लगाना, सुन रहे हैं। दिए गए चित्र में एक बच्चा बोल रहा है, बाकी बच्चे सुनकर समझ रहे हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है, ओरल रूप है। ओरल होता ना, आप बोलते हो, मैं सुनती हूँ, मैं बोल रही हूँ, आप सुनते हो। परिभाषा, जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। अब है व्याकरण, इंग्लिश में कहते हैं ग्रामर। क्या कहते हैं? ग्रामर। लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं? व्याकरण। अब देखना, उल्टे पुल्टे लिखे हैं वाक्य। लड़की खाता है, राम पढ़ती है, राधा गाना गाता है, गीता सीता स्कूल को जाता है, सारे गलत है ना।
ऊपर के वाक्यों को पढ़कर समझिए। सभी वाक्य पढ़ने, बोलने और लिखने में बिल्कुल गलत, अशुद्ध लगते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को सही करके पढ़ते हैं। देखो, लड़की खाती है, राम पढ़ता है, राधा गाना गाती है, गीता और सीता स्कूल जाती है। इन वाक्यों में कुछ नियमों का पालन किया गया है, अतः ये वाक्य बोलने, पढ़ने और लिखने में अशुद्ध नहीं लगते। परिभाषा व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने के लिए कुछ नियम होते हैं। इन नियमों को ही भाषा का व्याकरण कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण से ही होता है। बच्चों, जैसे ऊपर लिखा था लड़की खाता है, तो गलत हुआ ना, लड़की खाती है। राम पढ़ती है, गलत हो गया, पढ़ता है, क्रिया गलत है इसमें। राधा गाना गाता है नहीं होता है, गाती है। गीता सीता स्कूल को जाता है, गीता सीता स्कूल जाती, गीता और सीता स्कूल जाती है। आओ दोहराएं। अब हम दोबारा से इनको बोल कर देखते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक, लिखित। जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। हमें व्याकरण हमें शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। किताब में प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएंगे। विचारों के आदान प्रदान के साधन को क्या कहते हैं? एक दूसरे के विचार जानते हैं, यानी मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आप बोलेंगे, मैं सुनूंगी, जान लूंगी, तो इसको साधन को कहते हैं भाषा। एपिटिक लगाना आप। भाषा कितने प्रकार की होती है? दो। खे पे सही का निशान लगाना। लिखकर हम अपने मन की बात को किस माध्यम से व्यक्त करते हैं? लिखकर, मौखिक भाषा द्वारा, लिखित भाषा द्वारा, भाषा द्वारा। खे में लिखित भाषा, खे टिक लगाना, सही का निशान लगा देना। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किस शास्त्र में होता है? व्याकरण या भाषा व्याकरण में। कै को सही का निशान लगा देना। चित्र देखकर खाली स्थान में भाषा का रूप लिखिए। पहले चित्र में एक बच्चा लिख रहा है, तो आप क्या लिख देंगे? लिखित भाषा। एक लड़का लिख रहा है ना, नीचे देखो लिखित भी है येलो लाइन में, लिखित भाषा। दूसरे चित्र में एक बच्चा फोन पे बात कर रहा है, तो ये क्या हो गई? मौखिक भाषा। क्या हो गई? ये मौखिक भाषा, सुन रहा है, सॉरी, सुन रहा है तो मौखिक भाषा। प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। ऊपर शब्द दे दिए, व्याकरण, लिखित, दो, मौखिक। भाषा के सही शब्द क्या आएगा इसमें? दो। दो लिखकर अंडरलाइन करना, दो रूप होते हैं। दादाजी का रेडियो सुनना भाषा का, अब इसमें खाली स्थान में आएगा, मौखिक रूप है, मौखिक रूप है, मौखिक लिख के अंडरलाइन कर देना। नेहा का कहानी लिखना भाषा का लिखित रूप है। अब अगला जो है घै, खाली स्थान हमें शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। सबसे पहला वर्ड है येलो लाइन में, व्याकरण।
प्रश्न नंबर 4 है, यदि भाषा न होती तो क्या होता, हाँ या नहीं में से सही को चुनें। आप सामने जो ब्लू लाइन में अक्षर है उनको अंडरलाइन कर लेना। पुस्तकें होती नहीं। हम अपनी बात दूसरों तक न पहुंचा पाते, भाषा नहीं होती तो नहीं पहुंचा पाते, हाँ दूसरे में हाँ। हम ज्ञान विज्ञान के बारे में न जानते, हाँ। नई नई जानकारी मिलती नहीं। अपने दिल की बात दूसरों को न बता पाते, हाँ। ठीक है, प्रश्न 4 हो गया। पहले में नहीं, दूसरे में हाँ, तीसरे में हाँ, चौथे में नहीं, पांचवे में हाँ। अब प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर बतलाते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक लिखित। लिखकर भी दूंगी बच्चों मैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक भाषा जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। ये प्रश्न उत्तर आपको करना है। 5वां प्रश्न कॉपी में मैं लिख कर दूंगी। और आपको सुलेख में भी बच्चों एक दिन में 1 पेज करेंगे तो अच्छा है, लिखने की प्रैक्टिस बनी रहेगी, हिंदी की राइटिंग अच्छी हो जाएगी। तो पेज नंबर 3 से 16 तक आप धीरे धीरे एक एक दिन में एक एक पेज लिखना ज़रूर से, और मम्मी को दिखाना।